मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि जिलों में आई बाढ़ को लेकर कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि मौसम वैज्ञानिकों ने गुना अशोकनगर में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रदेश में आई बाढ़ राहत में शिथिलता को लेकर कांग्रेस के आरोप पर गृहमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ऐसा दिखा रही है कि कमलनाथ और दिग्विजय बाढ़ पीड़ित इलाकों में सेवा कर रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल आराम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जनता सब कुछ जानती है। बाढ़ का जो इलाका श्योपुर शिवपुरी ग्वालियर दतिया था वहां अब राहत है। माननीय मुख्यमंत्री जी कल स्वयं हो आए हैं, लेकिन बाढ़ के बाद के हालात जैसे होते हैं उनकी सावधानियां हैं। मुख्यमंत्री जी ने 50 किलो तत्काल अनाज सभी घरों को, गिरे हुए मकानों का जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण सब शामिल हैं। आज इस बात की भी समीक्षा के लिए कैबिनेट रखी गई है कि बाढ़ के बाद जब घरों में पानी घुसता है तो अनाज सड़ता है, गेहूं चावल दाल बदबू वगैरह फैलती है, कीचड़ आ जाती है, दवाओं की व्यवस्था, मवेशियों के लिए भी राशि अलग से दी है जिनको बह गए। आज मूल रूप से अशोकनगर गुना विदिशा यहां पर वर्षा की संभावनाएं ज्यादा है।